फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने आईटीआर भरने के लिए डेट को एक्सटेंड किया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.कॉम के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल सीए सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, कोविड-19 की वजह से सीबीडीटी ने फाइनेंशियल ईयर 18-19 यानी कि असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को भरने की डेट को एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2020 कर दिया है। पहले यह डेट 31 जुलाई 20 थी, इसलिए अब आप इस डेट तक अपनी आईटीआर असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए भर सकते हैं। यदि आपने ऑलरेडी भर दी है और रिवाइज़ करना चाहते हैं तो भी आप इस डेट तक अपनी आईटीआर रिवाइज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सीबीडीटी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था 24 जून 2020, जिसमें के गवर्नमेंट ने टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020 के द्वारा पावर को एक्सरसाइज किया था। यहाँ पे प्रोविज़न दी गई थी, फर्स्ट प्रोविज़न के अंतर्गत सब पॉइंट 1 दिया गया था, क्लोज ए दिया गया था, जो कि यह कहता था कि असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए आईटीआर को फाइल करने की ड्यू डेट को एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2020 किया गया है, और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए डेट को 30 नवंबर 2020 किया गया है। फ्रेंड्स, अब गवर्नमेंट ने ये जो डेट असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए दी थी, इसे एक्सटेंड कर दिया है। फ्रेंड्स, इंडिया नोटिफिकेशन 29 जुलाई 2020 को इशू किया गया है, जिसमें कि टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020 में, जहाँ फर्स्ट प्रोविजो क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंतर्गत वर्ड 31 जुलाई 2020 लिखा था, उसे अब 30 सितंबर 2020 कर दिया है। इस प्रकार आप असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए आईटीआर 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी आपने फाइल कर दी है तो आप उसे रिवाइज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑर्डिनेंस 2020 के अंतर्गत ही जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वहाँ पे सेकंड प्रोविज़न दी गई थी जो कि बताती थी कि यदि किसी व्यक्ति का सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपये से ज़्यादा होता है तो उसे 234A के अंतर्गत इंटरेस्ट पे करना होगा, यानी कि जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न को डिले से फाइल करेगा, जो कि नॉर्मली 31 जुलाई 2020 है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। यानी कि जिन लोगों का सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपये तक रहेगा उनके लिए 234A का इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, यदि वो इनकम टैक्स की रिटर्न को ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 207 दिया गया है, जो कि यह बताता है कि हर व्यक्ति को एडवांस में अपनी टैक्स लाइबिलिटी पे करनी होती है यदि उसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपये से ज़्यादा होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है, उसकी उम्र 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है और उसकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, तो उस केस में उसे एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, अब जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन 29 जुलाई 2020 को इशू किया गया है, उसमें पुराने नोटिफिकेशन 35/2020 में जो सेकंड प्रोविज़न दी गई थी, वहाँ पे ये प्रोविज़न भी इंसर्ट कर दी गई है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर द पर्पज ऑफ सेकंड प्रोविज़ो इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया रेफर टू इन सेक्शन 207 सब सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, द टैक्स पेड बाय हिम अंडर सेक्शन 140A ऑफ दैट एक्ट विद इन ड्यू डेट बिफोर एक्सटेंशन प्रोवाइडेड इन दैट एक्ट शैल बी डीम टू बी एडवांस टैक्स। यानी कि जो व्यक्ति सीनियर सिटीजन है 60 साल से ऊपर और जिनके बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, यदि 31 जुलाई 2020 तक अपना जो टैक्स पे करेंगे उसे भी एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxseal@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल सीए सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स जीएसटी फाइनेंस इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने सीए सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो
का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।